अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक यहाँ पे रहेगा प्रोटोजोअन प्रोटिस्टस। ठीक है, इससे पहले आपने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट्स को कंप्लीट किया, स्लाइम मोल्ड्स को भी आपने वहां पे कंप्लीट किया। तो जहां तक प्रोटोजोअन प्रोटिस्टस की बात है, दीज आर पहला पॉइंट यहाँ पे आपके पास जो आपके स्क्रीन में है, स्क्रीन पे चढ़ेगा, वह है दीज आर हिटेरोट्रॉप्स एंड जनरली लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। यानी ये हिटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें या तो यहाँ पे प्रीडेटर्स होते हैं या तो यहाँ पे पैरासाइट्स होते हैं। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे याद रखोगे वो है दीज आर कंसिडर्ड टू बी द प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स। और नंबर थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे याद रखोगे, दीज प्रोटोजोअन प्रोटिस्टस स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्लियर, शाबाश। उसके बाद बेटा हम यहाँ पे इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन हम प्रोटोजोअन्स की करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन और ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स। देयर आर फोर ग्रुप्स फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन और लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स। नंबर फर्स्ट ग्रुप जिसे हम सार्कोडियंस कहते हैं, नंबर सेकंड ग्रुप जिसे हम जू फ्लैजिलेट्स कहते हैं, नंबर थर्ड ग्रुप इज द सीलेटा एंड द नंबर फोर्थ ग्रुप इज द स्पोरोजोअन्स। पहला ग्रुप जिसे हमने कहा सार्कोडियंस, दीज आर दोज प्रोटिस्टस विच शो द लोकोमोशन बाय मीन्स ऑफ फाल्स लेग्स नोन एज सीरोपोडिया। फाल्स लेग्स मतलब इसमें हमारे पास दो एग्जाम्पल आती है, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। पहली एग्जाम्पल आपके पास होगी अमोबा की और दूसरी एंट अमोबा की। जैसे कि बेटा आपको पता है कि जो अमोबा की बॉडी है इसमें यहाँ पे इरेगुलर शेप होता है, इसमें कोई कवरिंग बॉडी कवरिंग नहीं होती है। ऐसा जब ये मूवमेंट करता है देन इट शोज द फॉल्स लेग्स, इट शोज द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स लेग्स, दोज फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स लेग्स और दीज आर नोन एज द सीरोपोडिया। उन फॉल्स लेग्स को हम यहाँ पे सीरोपोडिया कहते हैं, इसलिए हम इनको यहाँ पे सार्कोडियंस कहते हैं। दी शो द मूवमेंट बाय मीन्स ऑफ द सीरोपोडिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा ग्रुप इसमें आता है दैट जू फ्लैजिलेटा, इसमें आते हैं जू फ्लैजिलेट्स। या जू फ्लैजिलेट्स में आपके पास एग्जांपल है ट्रिप्नोसोमा, दे शो द लोकोमोशन बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, नंबर थर्ड ग्रुप इज द सीलेटा, सीलेटा या सीलेट्स, इसमें आपके पास एग्जाम्पल आते हैं पैरामीशियम, दे शो द लोकोमोशन बाय द मूवमेंट ऑफ द सीलिया विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी सरफेस ऑफ दीज सीलेट्स। ठीक है बेटा, एंड द नंबर फोर्थ ग्रुप इज द स्पोरोजोअन्स, देयर इज नो लोकोमोशन, द लोकोमोशन और लोकोमोटर स्ट्रक्चर इज एब्सेंट देयर, फॉर एग्जाम्पल प्लास्मोडियम। क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद बेटा हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके पहले दो ग्रुप्स हैं, एक सार्कोडिना यानी जिन्हें हम कहते हैं अमोबाइड प्रोटिस्टेंट्स, और दूसरा वहां पे है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स यानी जिनको हम जू फ्लैजिलेट्स भी कहते हैं। उनके दरमियान हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस या उनको हम कंपैरेटिवली यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पे वहां पे है वो पहला पॉइंट क्या है दैट पहले हम देखेंगे अकरनस, जो हमारे पास अमोबाइड प्रोटोजोअन्स है या अमोबाइड प्रोटिस्टस है वो रहता है मोस्टली इन द फ्रेश वाटर्स और मैरीन वाटर्स, फ्रेश और मैरीन वाटर्स एंड इन द मॉइस्ट सॉइल्स। व्हाइल एज द ज़ू फ्लैजिलेट्स दे जनरली लिव एज पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स और फ्री लिविंग समटाइम्स और समटाइम्स दे कैन बी द कमेंसल्स और द सिम्बायोट्स देयर। क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे लोकोमोशन, तो पहले ही मैंने आपको बताई जो अमोबाइड्स होते हैं दे शो द लोकोमोशन बाय मीन्स ऑफ द फॉल्स लेग्स यूरोपोडिया, व्हाइल एज द ज़ू फ्लैजिलेट्स और द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स शो द लोकोमोशन बाय मीन्स ऑफ द फ्लैजिला। ठीक है, तो ये रही लोकोमोशन की बात। नंबर थर्ड इज द न्यूट्रिशन, जो हमारे पास अमोबाइड प्रोटोजोअन्स हैं दे शो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज परफॉर्म्ड बाय द सीरोपोडिया विच हेल्प अस them in the engulfing of the food material। यानी जो हमारे पास सीरोपोडिया इस अमोबा में होते हैं वो फूड मटेरियल को एंगल्फ करते हैं एंड परफॉर्म द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाउएवर द एंट अमोबा समटाइम्स शोज द और इट शोज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाइल एज सेकंड केस जब हम कंसिडर करते हैं ज़ू फ्लैजिलेट्स की, दीज आर जनरली इनमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्लियर, वेरी गुड।
नंबर थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे बेटा इनका डिस्कस करेंगे, दैट इज स्पेशलाइज्ड पॉइंट। स्पेशलाइज्ड पॉइंट में हम देखते हैं जो अमोबा होते हैं इनके बॉडी के इर्द गिर्द कोई कवर नहीं होता है, दे आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर, दे आर जनरली स्लिपरी एंड देयर कवर इज द प्लाज्मा लेमा। हाउएवर इन द मैरीन फॉर्म्स देयर इज द शेल मे बी समटाइम्स प्रेजेंट। वेला जब हम यहाँ पे करते हैं बात zooflagellates की, zooflagellates की बॉडी जो होती है इट इज कवर्ड बाय प्रोटीनेशियस कवर दैट्स नोन एज द पेलिकन। क्लियर, वेरी गुड। अलबत्ता यहाँ पे आपको याद रखनी है zooflagellates यानी ट्रिप्नोसोमा जो हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया जिरार्डियाना, इसमें होता है एक स्पेशलाइज्ड पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि जो ट्रिप्नोसोमा है इट ट्रिप्नोसोमा की एक स्पीशीज ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी इट कॉजेज द स्लीपिंग सिकनेस दैट्स अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस विच कॉजेज द स्लीपिंग सिकनेस एक्चुअली। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड पॉइंट था क्या कि जो ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी है इट कॉजेज द स्लीपिंग सिकनेस विच इज जनरली नोन एज द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर, वेरी गुड। के बाद हम यहाँ पे सीलेटा और स्पोरोज़ोन्स को देखेंगे। सीलेट्स में आप सबसे पहले याद रखोगे एग्जांपल पैरामीशियम की, वेल एज इन केस ऑफ द स्पोरोज़ोन्स आप एग्जांपल याद रखोगे प्लाज्मोडियम की। यानी हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं इन दोनों के दरमियान। नंबर फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे याद रखोगे फिर अकरनस। अकरनस जो हमारे पास सीलेट्स होते हैं वो एक्वाटिक, वो पानी में पाए जाते हैं ज्यादातर एंड दे जनरली लिव एज द निक्टॉन्स। Nictons means they actively move on the surface of the water because of the presence of the cilia which are distributed all over their body surface. ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे होते हैं स्पोरोज़ोन्स यानी प्लाज्मोडियम के एग्जाम्पल they do not show the locomotion, they have the locomotor structures are absent there. Clear? उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। जो हमारे पास पैरामीशियम बेटा होता है, पैरामीशियम की जो आउटर बॉडी कवरिंग होती है, आउटर बॉडी कवरिंग वो बनी होती है पेलिकल की प्रोटीनेशियस कवरिंग की। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास स्पोरोज़ोन्स होते हैं उनके बॉडी कवर यहाँ पे होता है, इट कैन बी पेलिकल और इट कैन बी द क्यूटिकल। हियर आते हैं नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जो सीलेट्स होते हैं दे परफॉर्म न्यूट्रिशन, दे परफॉर्म द होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इनके लिए यहाँ पे इंजेशन के लिए और इजेशन के लिए डिफरेंट स्पेसेस प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल इंजेशन के लिए इनमें एक डिफरेंट स्पेस प्रेजेंट हो, जिसे हम कहते हैं ग्लट या माउथ जिसे हम कहते हैं, जो सीलिया की वजह से उसके इर्द गिर्द सीलिया की वजह से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द सीलिया की वजह से वो फूड मटेरियल को उस ग्लट में डालता है, फिर एब्जॉर्प्शन करता है, फिर इनसाइड उसकी डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ दी स्पोरोज़ोन्स की, इनमें न्यूट्रिशन होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट इज ऑलवेज और इट इज जनरली एब्जॉर्ब्ड टाइप ऑफ द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे स्पेशलाइज्ड पॉइंट्स। यहाँ पे जो हमारे पास सीलेट्स हैं, सीलेट्स में आप दो स्पेशलाइज्ड पॉइंट्स को याद रखोगे। पहला स्पेशलाइज्ड पॉइंट आप वहां पे याद रखोगे, दे हैव द डायमॉर्फिज्म इन देयर न्यूक्ले, यानी इनमें दो न्यूक्ले वहां पे प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूक्लियस वहां पे छोटा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दैट्स नोन एज माइक्रो न्यूक्लियस, व्हाइल एज अनदर लार्ज न्यूक्लियस इज नोन एज द माइक्रो न्यूक्लियस। The micro macro nucleus, the micro that is small nucleus is known as the vegetative nucleus because it controls the metabolic activity and the growth, whereas the large nucleus that is the macro nucleus it is known as the reproductive nucleus which controls the rate of or which can help us in the reproduction process. Clear? दूसरा पॉइंट है, अब यहाँ पे जो पैरामीशियम या जो सीलेट्स होते हैं इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है वहां पे ट्राइकोसिस्टस विच हेल्प इन द डिफेंस प्रोसेस एंड विच आल्सो हेल्प इन द एनकोरेज टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है बेटा, ये बात यहाँ पे हमने की सीलेट्स की। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड पॉइंट्स इन केस ऑफ दिस स्पोरोज़ोन्स की। इसमें आप याद रखोगे दे हैव द स्पोर लाइक इन्फेक्टिव स्टेज प्रेजेंट इन देयर लाइफ साइकिल। इनमें या तो एक होस्ट होता है यानी जब ये पैरासिटिक मोड ऑफ डिजीजेस करते हैं, जनरली कॉज द डिजीजेस, दे आर द पैथोजेनस, यानी इनमें हम कहते हैं कि दे आर द इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट इन देयर लाइफ साइकिल। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द होस्ट दे कैन बी वन होस्ट दैट इज मोनोजेनेटिक और देयर कैन बी टू होस्ट दैट इज डायजेनेटिक।
क्लियर। और दूसरा पॉइंट आप यहां पे याद रखोगे, दीज स्पोरोजोनस फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम कॉजेज द मलेरिया डिजीज इन केस ऑफ द ह्यूमन्स एंड विच हैज द स्ट्रैगिंग इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ। ठीक है बेटा, बात आई समझ? वेरी गुड, दैट्स ऑल फॉर दिस किंगडम प्रोटिस्टा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंगाई को।